नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं, एक बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही, जहां पर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का एक बयान सामने आया है। कुछ दिन पूर्व ही केजरीवाल ने यहां रैली की। सीएम ने कहा, केजरीवाल को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से क्यों रोकेंगे, केजरीवाल चाहते हैं तो उनके भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं, आम आदमी पार्टी सिर्फ ड्रामा करना चाहती है, ये आरोप लगाया है सीएम ने सीधे सीधे आम आदमी पार्टी पर। कहा कि सिर्फ ड्रामा करना जानती है आम आदमी पार्टी, और साथ ही ये बयान सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिया है चंडीगढ़ में कुछ दिन पहले ही, जब केजरीवाल ने यहां पर रैली की थी उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने जिक्र किया है। केजरीवाल को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से क्यों रोकेंगे, ये कहा है। और ये बड़ा आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी सिर्फ ड्रामा करना जानती है। तो बड़ा हमला बोला है आम आदमी पार्टी पर, कहा कि सिर्फ ड्रामा करना जानती है आम आदमी पार्टी। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें दिखाते हैं। पंजाब चुनाव से पहले दिल्ली के सीएम केजरीवाल का एक बड़ा ऐलान सामने आया है। बता दें, आपकी सरकार बनेगी तो पंजाब में बिजली फ्री होगी, ये एक बड़ा वादा। कल चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अरविंद केजरीवाल, तो सीधे सीधे वोटरों को लुभाने की कोशिश है दिल्ली की ही तर्ज पर। और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें और बातें डिटेल से सामने आ जाएंगी कि क्या एजेंडा है। पंजाब चुनाव से पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है, कहा है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो पंजाब में बिजली फ्री होगी। हालांकि कितनी फ्री होगी, कितने यूनिट फ्री होगी, ये अभी जिक्र नहीं किया उन्होंने। हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज और पुलिस महानिदेशक मनोज यादव के बीच तनातनी बनी हुई है। कुछ दिन पहले ही पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा था, जिसमें वापस केंद्र में जाने की इच्छा जताई थी, लेकिन फिलहाल इस पर हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने रोक लगा दी है और ये कहा है कि जब तक नए पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक उन्हें रिलीव नहीं किया जाएगा। डीजीपी मनोज यादव ने गृह विभाग को चिट्ठी लिखकर वापस आईबी में जाने की दरख्वास्त की है और पत्र में पारिवारिक विवादों का हवाला देते हुए रिलीव करने की अपील की है। उन्होंने अपने पारिवारिक कारणों का हवाला दिया है कि मुझे रिलीव कर दिया है, तो हमने उनकी एप्लीकेशन स्वीकार कर दी है और होम डिपार्टमेंट को कह दिया है कि नया पैनल बनाकर केंद्र में भेजा जाए। और मनोज यादव को हमने कहा है कि जब तक नया अरेंजमेंट ना हो गया तब तक वो अपना काम जारी रखे। और वहीं कोरोना पर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर जोर दिया जा रहा है। इसी को लेकर चंडीगढ़ में गृहमंत्री अनिल विज ने भी कहा कि हमारी जो तैयारी है वो पूरी है और अब तक हरियाणा के फरीदाबाद में कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरियंट का एक केस पाया गया है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के आदेश दिए हैं। इसी के साथ विज ने लोगों से अपील की है और कहा है कि कोरोना कमजोर हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए सबको सावधानी बरतने की जरूरत है। पूरी तैयारी है, अभी तक हमारे पास फरीदाबाद में एक केस डिटेक्ट हुआ है और उसका हमने उनके जो 100% कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कराने के आदेश कर दिए हैं कि उनका सारों का टेस्ट कराया है। बाकी हम लोगों से यही कहना चाहते हैं कि भाई कोरोना हल्का हो गया, खत्म नहीं हुआ, इसलिए एहतियात बरतनी है ताकि ये नुकसान ना हो। और वहीं अनिल विज ने महबूबा मुफ्ती के उस बयान पर कटाक्ष भी किया, जिसमें जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 बहाल नहीं होने तक चुनाव नहीं लड़ने की बात कही गई थी। अनिल विज ने कहा है कि महबूबा सारी उम्र चुनाव ना लड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
क्योंकि जम्मू कश्मीर में कभी भी अनुच्छेद 370 लागू नहीं होने वाला है। इतना ही नहीं, टाला के सीनियर कांग्रेस नेता और पूर्व पर्यटन मंत्री अश्विनी के वर्करों समेत अकाली दल में शामिल होने की बात सामने आई, जिस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने चुटकी भी ली है। ना लड़े सारी जिंदगी ऐसे बैठी, उसमें क्या फर्क, धारा 370 दोबारा नहीं। विकास कामों की सौगात देते हुए आज केंद्रीय राज्य मंत्री किशपाल गुर्जर और हरियाणा परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने जल संसाधन विभाग की तरफ से गुरुग्राम कैनाल पर निर्मित किए जाने वाले 6 लेन पुल का शिलान्यास किया। यह पुल 6,85,00,000 की लागत से अगले 6 महीने में तैयार होगा, जो कि वल्लभगढ़ और फरीदाबाद विधानसभा को जोड़ेगा, जिससे लोगों को काफी लाभ होगा। लोगों को जाम की स्थिति से निजात मिलेगी। मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री किशपाल गुर्जर ने कहा कि पुल को लेकर मुख्यमंत्री के सामने मांग रखी गई थी, जिसे सीएम ने मंजूरी दे दी है और आज पुल का शिलान्यास किया गया है। लोगों को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा, लंबे समय से इस पुल की मांग की जा रही थी, जिसका आज विधिवत शिलान्यास किया गया, जिसे जनता को समर्पित किया जाएगा। ये 3 सेक्टर बल्लभगढ़ को जोड़ने वाला 7, 8, 9, 10 है, ये 3 सेक्टर का जो गुड़गांव कैनाल पर फ्लाई ओवर है, ये 2 लेन का था। सुबह और शाम इसमें आधा आधा घंटे जाम लगता था, लोगों को बहुत परेशानी होती थी। तो लेकिन यहाँ के हमारे स्थानीय मंत्री हैं, जो विधायक हैं बल्लभगढ़ के, मूलचंद शर्मा जी, नरेंद्र जी, इन सब ने इस लोगों की समस्या को देखते हुए इस पुल की मांग रखी और आदरणीय मनोहर लाल जी ने तुरंत इस मांग को मंजूर कर उसके लिए 6,85,00,000 रुपए 2 लेन से 6 लेन कराने के लिए मंजूर कर दिए। आज उसका शिलान्यास हुआ है और लगभग दिसंबर तक बनकर ये 6 लेन का पुल बनकर तैयार हो जाएगा। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आज ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में शामिल हुए, जिसमें 16 एजेंडों में से ज्यादातर मामलों को निपटा दिया गया है और 2 एजेंडों को अगली मीटिंग के लिए छोड़ दिया, और कहा कि पिछले 1.5 साल में किसानों को फसल का MSP उनके खाते में ट्रांसफर किया। साथ ही सरकार ने किसानों के लिए कई योजनाएं लेकर फसलों का एक एक दाना सरकार से खरीदा। इसी को लेकर पूर्व CM ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई पर उन्होंने कहा, जिन लोगों ने षड्यंत्र रचा था उन्हें जवाब मिला है। और हरियाणा शिक्षा विभाग ने री एग्जामिनेशन का शेड्यूल जारी कर दिया है। 9वीं और 11वीं में फेल हुए विद्यार्थियों को एक और मौका पास होने के लिए दिया जाएगा। यह परीक्षा अवसर ऐप पर ऑनलाइन ली जाएगी। शिक्षा विभाग ने दोनों कक्षाओं के लिए डेट शीट है उसे फिलहाल जारी भी कर दिया है। तो एक और मौका जो फेल हुए छात्र छात्राएं हैं उनको दिया जाएगा। हरियाणा शिक्षा विभाग ने री एग्जामिनेशन की जो डिटेल्स है वो जारी कर दी है। ऑस्ट्रेलिया जेल में बंद विशाल के परिजनों ने सरकार से गुहार लगाते हुए कहा है कि विशाल की जमानत कराई जाए। आपको बता दें कि 1 जुलाई को विशाल की अदालत में पेशी है। विशाल के परिजनों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करने की इच्छा जताई, कहा कि हम मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उनके सामने सारा मामला रखना चाहते हैं। इसी के साथ विशाल के भाई रवि ने मीडिया से बातचीत में कहा, आज ही विशाल से बात हुई है, जिसमें विशाल ने बताया है कि जेल में कुछ कैदी उसे घूरते हैं और उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है, जिस पर कार्रवाई की बात कही है। मेरी एक रिक्वेस्ट है मुख्यमंत्री से जी, आपने जो उसकी परसों की तारीख है उस परसों की तारीख में उसको बेल मिलनी लेनी चाहिए। कागजों कार्रवाई वहाँ बेस्ट टाइम लग जाओ 10 दिन 5 दिन, वो कम से कम सेफ तो बाहर तो निकलो। वहाँ ना उसको खाना मिलता है, जो उसका फोन आया था, खाना खुना कुछ नहीं मिलता उसको, ब्रेड ब्रूड ये वगैरह वगैरह ये मिलता है, 3 महीने से बगैर रोटी खाया है जी। जी विशाल से आज मेरी बात हुई थी सुबह ही, तो उसने बस मेरे को यही बताया कि वहाँ पे 2-3 खालिस्तानी हैं जो उसको आते जाते घूरते हैं और उससे वो छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं थोड़ी उसके साथ, और बस यही फिलहाल तो उसने यही बताया, और ये बताया कि भाई खाने वगैरह का कुछ भी अच्छा नहीं है यहाँ पे।
मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ पे पहले तो मेरे भाई के लिए थोड़ा अच्छा वकील ढूंढे और इस जो भी एक केस है उसको फर्स्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर इसका जल्द से जल्द निपटारा किया जाए और जो आने वाली एक तारीख है इसको इस तारीख पर मेरे भाई को बेल दिलाई जाए। पंजाब विधानसभा के पास लंबित पड़ी हरियाणा विधानसभा की 4630 वर्ग फीट जगह का निपटारा होता नजर नहीं आ रहा है। चंडीगढ़ प्रशासन ने हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष को पत्र लिखकर अवगत कराया कि उनके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे पंजाब और हरियाणा के बीच विधानसभा के बंटवारे की जानकारी हो। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने इसके जवाब में विधानसभा की तरफ से उस डॉक्यूमेंट की प्रोसीडिंग चंडीगढ़ प्रशासन को भेज दी है जिसमें दोनों राज्यों का हिस्सा निर्धारित किया गया था। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।